के साथ साथ पैरों में सूजन की परेशानी भी देखी गई है। क्या पैरों में सूजन भी हार्ट प्रॉब्लम के संकेत हो सकते हैं? और अगर है तो फिर इसके लिए क्या उपाय करें? एक तो ये उपाय करें, पैरों का आगे पीछे दबाएं। अब भारी भरकम तो बहुत करा दिया, अब हल्का हल्का कराते हैं। पुनर्नवादी मंडूर खाली पेट ले लें, गोधन अर्क मधु के साथ ले लें, अथवा सर्वकल्प क्वाथ पी लें, गोखरू का पानी और पुनर्नवा का पानी पी लें, उसी से सूजन दूर हो जाती है। ये पुनर्नवा, ये अर्जुन, ये दालचीनी, ये लौकी, ये लहसुन, इन्हीं से ही हमने ये जो आलसी लोग हैं उनके लिए लौकी घनवटी और ये लिपिडोम भी बना दिया है। बाकी हृदयामृत और अर्जुन की छाल से हम कार्डियोग्रिट वो तो पहले से ही दे रहे थे, तो ये लिपिडोम और ये भी हमने तैयार कर दिया है। लौकी घनवटी गोल गोल घुमाएं, जिनको पैरों में सूजन है वो ये अभ्यास भी करें। कल एक भाई आया बेंगलोर से, बोले स्वामी जी मेरा 18 चला गया था यूरिक एसिड, अब मेरा 4 पर आ गया, मेरा गोकरू मुझे बंद करना पड़ा। तो ये जो हम उपाय बताते हैं यूरिक एसिड कम करने के, कोलेस्ट्रोल कम करने के, वेट कम करने के, इनको जो उपायों को अपनाते हैं ऐसे आगे पीछे ऐसे ऐसे करें और फिर थोड़ा सा ये बटरफ्लाई कर लें, हल्के हल्के अभ्यास। पैरों में सूजन ये किडनी के कारण से भी आती है, थायराइड के कारण से भी आती है, लीवर के कारण से आती है, हार्ट के कारण से भी आती है। ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो प्रभावित होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में भी प्रॉब्लम आती है हार्ट की प्रॉब्लम के साथ, क्योंकि हमारे आर्टरी से, आर्टेरियल से, कैपिलरी से, हमारे पूरे लिम्फ, लिम्फ नोड्स और पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम जुड़ा हुआ है। तो यदि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा होगा, इसके लिए मैं बार बार कहता हूँ योग में सर्वाधिक महिमा प्राणायाम की है। और योग के जरिए ना छोड़े 2 से 5 मिनट, 2 मिनट तो कम से कम नियम बना ले। बिल्कुल, और योग के जरिए अगर दिल को हमेशा जवान रखा जाए तो शरीर जो है वो सेहतमंद हमेशा बना रहेगा। स्वामी जी अब सवालों की बारी है, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनके सवाल शामिल कर लिए जाएं और उनकी परेशानी दूर हो सके। पहला सवाल स्वामी जी शोभित का है। शोभित अपनी माँ के लिए जानना चाहते हैं कि उनकी माँ को बीपी, डायबिटीज और हार्ट की परेशानी, हार्ट में ब्लॉकेज है, हार्ट में 3 स्टेंट पहले ही पड़ चुके हैं, कमजोरी बहुत है, उनके लिए कोई उपाय बता दें। अनुलोम विलोम करो, तो ये अभ्यास करें, चलो सब करते हैं अनुलोम विलोम, और अपनी माँ को कार्डियोग्रिट और हृदयामृत, यह हमने ये कार्डियोग्रिट 2-2 गोली की सुबह, दोपहर, शाम दे दें, बाद में तो एक एक गोली से काम चल जाएगा, एकदम से कंट्रोल कर लेता है और हार्ट ब्लॉकेज रिवर्स होने लग जाते हैं। और हृदयामृत, हृदयामृत 2-2 गोली खा ले, ये हृदयामृत बहुत ही ज़बरदस्त है हार्ट के लिए, ये हृदयामृत, ये 2-2 गोली और ये कार्डियोग्रिट 2-2 गोली, अर्जुन की छाल, और दिन भर उनको अर्जुन की छाल का ही पानी पिलाएं, जैसे कफ कोल्ड के लिए दिव्य पे, त्रिदोष के लिए हम लौकी का, और पेट के लिए हम जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन का पानी बताते हैं, ऐसे हार्ट के लिए दिन भर अर्जुन की छाल का पानी पिए, लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी, 1 महीने तक लौकी कल्प करवा दे, और कुछ नहीं मिलता है तो जो हृदय बस्ती पीछे करवा रहे हैं इसके लिए सरसों का तेल गर्म करके ही छाती पर यह हृदय बस्ती भी कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं सारी चीज़ें जो हम यहाँ बताते हैं, और अनुलोम विलोम तो 1-1 घंटा सुबह, दोपहर, शाम करवा दें। बिल्कुल स्वामी जी, और ये हार्ट का पॉइंट दबा लें, इससे हार्ट के ब्लॉकेज भी दूर हो जाएंगे, फिर वापस दोहरा रहा हूँ, इससे इजेक्शन फ्रैक्शन भी नॉर्मल आ जाएगा, इससे हार्ट इलाज हुआ भी ठीक हो जाएगा, हार्ट के वाल सिकुड़ गए हों, फैल गए हों, वो भी ठीक हो जाएंगे, और इससे एंजाइना पेन होता हो, पल्पिटेशन बहुत आई हो, जो रीता कोहली ने शुरू में बताया कि 200 तक पहुंच गया था और अब मात्र अब ये 10 दिन से यहाँ पर हैं, अब रीता कोहली जी का अब हार्ट रेट 70 और 80 के बीच में आ गया है और बीपी एकदम 80-120 और मेरा तो 70-110 रहता है। आप में से ब्लड प्रेशर कितनों का बढ़ा हुआ है? था बीपी कितनों का बढ़ा हुआ था हाथ उठाना? अब ये इतने लोगों का तो बीपी बढ़ा हुआ था, बीपी भी नॉर्मल आ गया है ना, अब बीपी नॉर्मल कर लिया और हार्ट भी नॉर्मल कर लिया। शुगर कितनों को था?
शुगर से भी बहुतों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, शुगर भी था बीपी भी था, और मोटा मोटा पेट तो बहुतों का है। ये पेट भी जो है ना, ये यहाँ असर करता है। कपाल भाती अनुलोम विलोम।